दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट के बारे में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड के नेल्सन में हुआ था और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उन्होंने एटम में एक अल्फा प्रकरण गामा रेज को पेनिट्रेट किया और उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि अधिकतर जो एटम होती है वो खोखली होती है। और इन्होंने दोस्तों एटम में सबसे बड़ी चीज न्यूक्लियस को खोज दिया। ये केमिस्ट्री की दुनिया में एक सबसे बड़ा अनोखा चीज़ था।